नमस्ते दोस्तों, आज की जो मेडिसिन है वो है रेथनिया। उसका जो कीवर्ड है जो डॉक्टर विथालकर सर ने दिया है वो सिम्टम ऑफ रेक्टम है। लेकिन विथालकर सर ने इसको सिम्टम ऑफ रेक्टम के अलावा भी किस तरह से बताया है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम जब सुपरस्टिशियस मेडिसिन की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो मेडिसिन बहुत तेज़ी से आती हैं, पहली है कोनियम और दूसरी रस्टॉक्स। लेकिन डॉक्टर विथालकर सर ने इसको भी सुपर की श्रेणी में रखा है। ये मेडिसिन सुपरस्टिशियस होती है और इसका कंपल्सिव न्यूरोसिस होता है इसमें, और वो भी कंपल्सन कैसा है, रिलीजियस कंपल्सन है। ठीक है, इसका क्या मतलब है रिलीजियस कंपल्सन का, इसको मैं बताऊंगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको लगता था कि वो अगर उसने वो पॉटी गया है या टॉयलेट गया है तो उसके बाद वो सही से साफ़ नहीं हुआ है, तो साफ़ नहीं हुआ है तो वो उसकी जो पूजा है या जो भी इबादत है वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो रेक्टम पे है, आइज़ पे है और टीथ पे है। तो रेटिनिया जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ रेक्टम के सिम्टम ढूंढते हैं, आइज़ और टीथ के बारे में इतना कम बात करते हैं। तो अगर आपको फिसर मिल रहा है और इसके जो सिम्टम है, इसका सिम्टम यह है, बहुत ही वेल नोन सिम्टम है जो एस्कुलस और नाइट्रिक के साथ मिलता है, कि जैसे लगता है कोई स्प्लिंटर या ग्लास रेक्टम में है, तो ये एक बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट सिम्टम मिलेगा। और आपको आइज़ के भी सिम्टम मिलेंगे, जिनको आई सिम्टम को आप देखिए, जैसे इसमें लगता है आईलिड बिल्कुल स्टिफ हो गई है और बर्निंग पेन होता है, और ख़ासकर इसमें आपको दांत का दर्द मिलेगा जो प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो वहाँ पे वो उनको मतलब इतना दर्द होता है कि उनको रात में उठना पड़ता है, जो मैग्नीशियम कार्ब से मिलता जुलता सिम्टम है। और इसका जितना भी एग्रीवेशन है वो नाइट में है, टच से है, एग्जर्सन से है। और आपको ये दवा जब भी आप अगर सिर्फ रेक्टम के सिम्टम पे दे रहे हैं तो आपको एस्कुलस, पायोनिया, कोलेंसोनिया, नाइट्रिक एसिड और आर्सेनिक से कंपेयर करनी पड़ेगी। लेकिन एक नया एस्पेक्ट ये है कि आप इसको जब पढ़ें तो आप इसके सुपरस्टिशन को भी ध्यान में रखें, तो आपको एक अलग तरीके से हेल्प मिलेगी। आप अगर फिजिकल सिम्टम और मेंटल सिम्टम को मिला के देते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।